टू फिंगर खेलो तो थ्री फिंगर वाले मार के जाते हैं, थ्री फिंगर खेलो तो बटनों में ही फंस जाते हैं, किसी की वीडियो देख के बटन सेट करो तो उस पर उंगलियां काम नहीं करती, खुद बटन की लोकेशन चेंज करो तो और फंस जाते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हट यार, मैं जा रहा हूँ एंग्री बर्ड डाउन करने। देखो अब मैं समझ चुका हूँ कि भाई तुम लोग हो चुके हो एकदम परेशान, क्योंकि थ्री फिंगर तुम सभी के सभी सीखना चाहते हो, लेकिन सवाल तो यही है ना कि सीखे तो सीखे कैसे। अब कोई भी बंदे को सीखना होता है वो इधर YouTube पे आता है और इधर वो सर्च करता है थ्री फिंगर बेस्ट कस्टम HOD और इधर उसको अनगिनत वीडियो देखने को मिल जाती है। YouTube पे नहीं, हर एक चैनल में मिलती है उसको अनगिनत वीडियो। टॉप 3 बेस्ट 3 फिंगर HOD, टॉप 5 बेस्ट 3 फिंगर कस्टम HOD, टॉप 7 बेस्ट 3 फिंगर HOD, टॉप 500 बेस्ट कस्टम HOD, मतलब हर एक चैनल पे 1000 वीडियो पड़ी है इस टॉपिक पे। इतने तो भाई फ्री फायर में प्लेयर पैदा नहीं हुए जितनों की इन्होंने कस्टम HOD बता दी वीडियो में। और वीडियो के अंदर होता भी कुछ नहीं है, बस किन्हीं भी 3-4 चिंकू मिंकू टिंकू का 30 सेकंड का गेम प्ले दिखा के उसकी कस्टम HOD का स्क्रीनशॉट चिपका देंगे और हो गई वीडियो खत्म, चलो निकलो टाटा बाय बाय। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सारी मिस्टेक्स है ना थ्री फिंगर की, कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हो। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है थ्री फिंगर प्लेयर की कि वो गलत साइड पे गलत बटन को रखता है, या फिर कितने बटन कौन सी फिंगर से कंट्रोल करने चाहिए उसको यही नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो जैसा गेम प्ले देखता है ना लोगों का वीडियो में वैसा भाई वो कभी नहीं कर पाता और बस सोचता ही रह जाता है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कस्टम HOD है ना इसकी भाई पकी हुई है एकदम खिचड़ी, ठीक है। तो उसको मैंने थोड़ा सा मेहनत करके एकदम सिंपल सा कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहे होंगे आपको 6 बटन और राइट साइड में भी कुछ बटन दिख रहे होंगे। और एज यू ऑल नो थ्री फिंगर कस्टम HOD की जो लेफ्ट साइड होती है वो सबसे मेन होती है, क्योंकि उधर से ही हम ज्यादातर बटन को हमें कंट्रोल करना होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो है ना वो आता है हमारा स्प्रिंट वाला बटन, ठीक है। तो इसको आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा के इसकी पोजीशन को आपको इधर रख लेना, ठीक है, इधर रख लेना, बैकग्राउंड देख लेना और इसका साइज रख लेना 85 के आसपास। अब ये जो स्प्रिंट बटन है ना इसको मैंने भाई इसकी पोजीशन को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है, अब हम इसको नहीं हिलाएंगे और इसके अकॉर्डिंग ही पूरी की पूरी कस्टम HOD को डिजाइन करेंगे। अब स्प्रिंट बटन जो है वो सबसे पहले हमारे वेपन स्विच बटन को अफेक्ट करता है, मतलब ये है कि जब हमें किसी बंदे को वन टैप मार के स्विच रन करना होता है तो हम पहले फायर करने के बाद स्विच बटन दबाते हैं, उसके बाद रन बटन दबाते हैं। तो अगर स्विच बटन को आप अगर उसी पार्ट में रख दोगे जिस पार्ट में स्प्रिंट बटन रखा हुआ है तो फिर तो आपका स्विच रन करने में ना एक टाइम गैप आ जाएगा, मीन्स आप फास्ट स्विच वन टैप नहीं मार पाओगे कभी भी, ठीक है, और स्विच रन फास्ट नहीं कर पाओगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, क्योंकि इधर जो मेरे दोनों बटन है ना मुझे उनको दोनों को एक ही फिंगर से प्रेस करना पड़ रहा है, इसीलिए स्विच बटन को आपको कभी भी स्प्रिंट वाले बटन वाले पार्ट में नहीं रखना है, ठीक है, आपको स्विच बटन को इधर रखना है जिससे कि आप फास्ट स्विच वन टैप मार पाओगे, बिल्कुल भी टाइम गैप बीच में नहीं आएगा, ठीक है, स्विच और रन के बीच में कुछ भी टाइम गैप नहीं आएगा, डायरेक्ट फास्ट लगेगा, ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं जंप बटन की, तो जंप बटन जो होता है ना वो भाई कस्टम HOD में आप उसको इधर नीचे भी रख सकते हो और उसको ऊपर भी रख सकते हो, और अगर मेरी मानो तो अगर आप भाई एकदम बिगनर हो तो भाई आपको ऊपर से बेस्ट तो आपको कोई लोकेशन रहेगी ही नहीं, ठीक है, और राइट स्टार भी पहले भाई ऊपर रख के ही, मतलब अगर राइट स्टार की कस्टम HOD देखोगे पहले की जब वो थ्री फिंगर में खेलता था तो वो भी भाई ऊपर रख के ही खेलता था अपने जंप वाले बटन को, क्योंकि जंप वाले बटन को ऊपर रखने से ना हमारा क्या होता है, हमारी जो थर्ड फिंगर होती है एक तो वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें एक मैच में ज्यादा बार उस पर क्लिक करना होता है जिससे कि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाती है हमारे थर्ड फिंगर को उधर क्लिक करने की, और प्लस काफी ज्यादा आपकी आसान जाती है कस्टम HOD, ठीक है, तो आप अपने जंप बटन को उधर ही रख लेना। अब बात करते हैं हम क्राउच बटन की और ग्लूवॉल वाले बटन की, तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंट बटन और वेपन स्विच बटन को एक ही पार्ट में रखोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, मतलब एक टाइम गैप आ जाएगा, वैसे ही ये जो क्राउच बटन और ग्लूवॉल वाला बटन है ना इसको भी आप एक पार्ट में नहीं रख सकते कभी भी, मतलब अगर आपने अपने ग्लूवॉल वाले बटन को इस पार्ट में रखा है तो आपका क्राउच बटन इस पार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर उसको रखना है तो या तो उसको ऊपर रखो और ऊपर भी सुटेबल नहीं है तो उसको भाई जो आपका ड्रैग फायर बटन है उसके बगल में रखो, और मेरी मानो तो भाई आप लोग ड्रैग फायर बटन के बगल में ही रखना हमेशा अपने क्राउच वाले बटन को, ठीक है, और थोड़ा सा चिपका के रखना अपने क्राउच वाले बटन को उससे। और इन दोनों को मैंने अलग अलग पार्ट में रखने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि जस्ट सपोज मान लो कि आपको लगानी है सिटअप ग्लू वॉल, तो आप क्या करोगे कि पहले आप ड्रैग फायर बटन से ऊपर
फायर करोगे, उसके बाद क्राउच बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ग्लू वॉल निकाल के ग्लू वॉल को लगा दोगे। लेकिन अगर यहीं पे ये जो क्राउच बटन है अगर वो उसी पार्ट में होता जिस पार्ट में एक ग्लू वॉल वाला बटन रखा हुआ है, तो आपको दोनों को भाई थंब से ही कंट्रोल करना पड़ता, मतलब ग्लू वॉल भी निकालनी पड़ती और बैठना भी उसी थंब से पड़ता, जिससे कि दोबारा से एक टाइम गैप आ जाता दोनों, मतलब दोबारा से एक टाइम गैप आ जाता सिटअप ग्लू वॉल लगाने में। तो इसीलिए इन दोनों को भी भाई दुश्मन बना दो, इन दोनों को भी अलग अलग पार्ट में रखना कस्टमर चूड़ी के। और ये जो ड्रैग फायर बटन के बगल वाला पार्ट है ना, ये सबसे बेस्ट है इस क्राउच बटन के लिए, तो इसको इधर ही रखना। और भाई आप लोग बढ़िया तरीके से ये जो सिटअप ग्लू वॉल होती है इसको आप लोग बहुत फास्ट लगा पाओगे, आप लोग करके देखना। अब बात करते हैं अपने एक और सबसे मेन बटन की, जिसका नाम है भाई लेफ्ट फायर बटन। और ये वाला बटन ही ज्यादातर लोगों की कस्टम एचडी में गलत तरीके से रखा होता है, ठीक है। वो जो अभी मैंने दो बताए थे कॉम्बिनेशन, वो भी गलत रखे होते हैं, और ये जो लेफ्ट फायर बटन है ये भी गलत तरीके से रखा होता है, जिसकी वजह से गेम प्ले उस लेवल का लोगों को दिखता ही नहीं अपना। तो करना क्या है, जैसे कि ये जो आपका लेफ्ट फायर बटन है ना, इसको आपको भाई हमेशा हमेशा का मतलब हमेशा आपको इसको थर्ड फिंगर से कंट्रोल करना है। अगर आप सोचोगे कि भाई आप लोग ड्रैग फायर बटन से ग्लू वॉल लगाओगे तो भाई तो फिर आपकी ग्लू वॉल कभी भी फास्ट नहीं लगने वाली, ठीक है। आप लोग बैकग्राउंड ग्लू वॉल है ना, तूफान, जो भी ग्लू वॉल होती है, बवंडर टाइप की ग्लू वॉल होती है, वो आप नहीं लगा सकते, जो ड्रैग फायर बटन होता है उससे नहीं लग सकती ये सब ग्लू वॉल। आपको लेफ्ट फायर बटन पे ही थर्ड फिंगर से टैप टैप करके ग्लू वॉल लगाना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि मुझे यहाँ पे लगानी है सिटअप ग्लू वॉल, तो मैं क्या करूंगा कि पहले मतलब कुछ भी ऊपर फायर करूंगा अपने ड्रैग फायर बटन से, उसके बाद मैं क्या करूंगा अपने थंब से अपने ग्लू वॉल को निकालूंगा, ठीक है बाहर, उसके बाद मैं क्राउच हो जाऊंगा। उसके बाद अगर मैं क्राउच होने के बाद अगर मैं ड्रैग फायर बटन पे जाऊंगा उसी थंब से क्लिक करने के लिए, तो टाइम नहीं लग जाएगा, टाइम लगेगा ना। इसीलिए अगर मैं ऊपर से थर्ड फिंगर से अगर मैं लेफ्ट फायर बटन को क्लिक कर दूंगा तो कितनी जल्दी ग्लू वॉल लग जाएगी, है ना। आप लोग खुद सोच के देखो, मतलब खट से ग्लू वॉल लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत भाई फास्ट ग्लू वॉल लगेगी। तो इसीलिए आपको हमेशा लेफ्ट फायर बटन को हमेशा थर्ड फिंगर से कंट्रोल करना है। और ये जो आपका स्कोप वाला बटन है ना, इसको तो मैंने अपनी एक और वीडियो के अंदर बताया था कि आपको इसको भाई ये जो स्विच बटन होता है ना, इसी के ऊपर रख लेना। तो अब हमारी जो कस्टम एचयूडी है वो फाइनली बनके रेडी हो चुकी है। तो आप लोग इनकी थोड़ी बहुत पोजीशन को लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन कर सकते हो, या और थोड़े बहुत इसके पोजीशन को भी अप डाउन कर सकते हो। लेकिन उस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट फायर बटन पे आपको थर्ड फिंगर से ही क्लिक करना है, स्प्रिंट बटन और वेपन स्विच बटन एक पार्ट में कभी नहीं होने चाहिए, और ये जो ग्लू वॉल बटन और क्राउच बटन है ये भी एक पार्ट में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये वाली जो कस्टम एचयूडी है इसको कोई भी बिगिनर बंदा भी आसानी से यूज कर सकता है भाई, पहले दिन से यूज कर सकता है इसको, ठीक है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली कस्टम एचयूडी है। और इसके अंदर आप लोग बहुत तगड़े लेवल का भी गेम प्ले कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो हर चीज की चाहिए होती है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा। और अगर आपको कोई और डाउट रह गया है कस्टम एचयूडी में, तो आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो सिंपली, ठीक है, मैं उधर लोगों को बताता रहता हूं। और इस वीडियो को लाइक नहीं मारा फटाफट से वीडियो को लाइक मार दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।